गिर गया है, देखिए कैसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हाथ से बनाए हुए नाव से हम लोग कैसे अभी भ्रमण कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये हाथ से बना हुआ हैंडमेड नाव है और ये 6 ड्रम की सहायता से बनाया हुआ है। ये 200 लीटर का ड्रम है, प्रत्येक ड्रम जो है 200 लीटर से बना हुआ है। ये बाम्बू का ये पट्टी है, इसे बांधा हुआ है और ये तार की सहायता से इसे बांधा गया है। इसके साथ हम लोग नाव पे, मैं हूँ और हमारे साथ विद्यानंद है, ये हमारे साथ बंदूक जी है, वो मोहन है और ये रोशन है। हम सभी लोग देखिए ये पूरे एरिया का भ्रमण कर रहे हैं इस नाव की सहायता से। ये पूरा देखिए, वहाँ से पूरा पानी ही पानी है, सारा पानी जो है बाढ़ का पानी है। और यहाँ पे अभी टालू राजा और चंदन हमारे साथ और जुड़े के इसमें, इसकी कैपेसिटी हम लोगों ने टेस्ट किया है वो 13 लोगों की कैपेसिटी है, यानी कि 13 बंदे हम लोग कल इस पे घूमे हैं, कुछ नहीं हुआ है। काफी टेस्टिंग के बाद हम लोग फिर आज इसे ज्यादा पानी लेके आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये चलाने में काफी प्रॉब्लम महसूस हो रहा है इसमें। ये एक साइड से नहीं चल रहा, कम से कम 4 से 5 आदमी चाहिए और हवा का प्रेशर उधर से काफी तेजी से है। पूरे एरिया घूमेंगे और आपको हम दिखाएंगे। अभी एक और एक्सपेरिमेंट करना इसमें बाकी है। अब क्या करेंगे, इस ये जो आप बोट देख रहे हैं, इस ये जो नाव हमने बनाया है, इस नाव के ऊपर एक चाइनीज इंजन बांधेंगे और उस इंजन की सहायता से इसे इस एरिया में दौड़ाएंगे। देखिए क्या होता है, कितना मजा आने वाला, काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो आप देख रहे हैं ये है केला का पेड़ और उससे ये नाव बनाया गया है। नाव नहीं आप कह सकते हैं, टेम्परेरी जुगाड़ है ये। बाकी जो भी कहिए लेकिन मजा काफी आ रहा है इस पे। लेकिन एक दो लोगों से ये नाव चल नहीं रही है, इसको चलाने के लिए कम से कम 4 लोग की आवश्यकता पड़ रही है, देख रहे हैं। और जो हवा का प्रेशर इतना काफी है कि हमें बार बार हम इसे यहाँ इसे रास्ते के पास आने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें वापस खेल के पीछे कर दे रहा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं, देखिए ये पीछे जो देख रहे हैं, ये पूरा जो है ये तालाब है, ये पूरा मछली पालन किया जाता था इसमें। लेकिन अब जो है कि पानी के कारण ये पूरा का पूरा जहां भी इतना मछली था ये सारे एरिया फैल गया। मछली की जो साइज लगभग 600 से 700 ग्राम प्लस 1 kg के आसपास भी है। हवा का प्रेशर काफी ज्यादा है और उस साइड से रोड पार करके हम आ गए, ये अभी पोखर है और पोखर में हम लोग अभी हैं। यहाँ पे लेवल ही नहीं मिल रहा है और खेवने के लिए जो भी, यानी कि इस नाव को चलाने के लिए जो भी जुगाड़ था सारा फेल कर गया है। अब कुछ है ही नहीं कि जिसे ही चलाया जा सके। मौसम काफी सुहावना हो गया है तो आगे देखिए कैसे अब इसे पार करते हैं। हम लोग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हुआ ये कि हम लोग तो मजे मजे में पोखर में आ गए लेकिन यहाँ जो डंडा था इसे खेवने के लिए वो अब काम ही नहीं कर रहा है और बार बार हम लोग उधर ले जा रहे हैं नाव को। और देखिए ये इस केला के जो भी पेड़ है इसमें आके बार बार नाव टकरा जा रहा है। अब यहाँ पानी वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, इसके नीचे देखिए बहुत ज्यादा वाटर लेवल है और बहुत मशक्कत हो रही है इस नाव को चलाने में। अब देखिए कैसे निकला जाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कम से कम 20 से 25 मिनट हो गया हम लोग को इस पोखर में अभी तैरते हुए, लेकिन इस नाव को तैरते हुए लेकिन अभी तक निकल गया, कोई तरीका ही नहीं सूझ रहा है। अभी मजा आ रहा है इस नाव पे घूमने के बाद। आप देख सकते हैं अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये पोखर है, ये यहाँ पे था ही नहीं है। देखिए पूरा, देखिए ये लगा पूरा नीचे चला गया, यहाँ पे यहाँ जो पानी जा रहा है और देखिए वहाँ से था ये, वो पीछे से। हमने सेफ्टी के लिए इस झोड़े में अपना सभी लोगों ने मोबाइल रख लिया है और कैमरा मेरे हाथ में है और कंट्रोल मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ और देख रहा हूँ इधर के एरिया के बाद। देखिए धीरे धीरे शीशम का पेड़ ये सब सूखने लगा है और इस पे हो सकता है सांप भी चढ़ा हुआ हो, इसलिए हम लोग उधर नहीं जाएंगे। और जानवर और चींटी सबसे ज्यादा और तरह तरह का मकड़ा पूरे पानी में है और अब पानी धीरे जो सर रहा है या जीव जंतु जो मर रहा है उसकी बदबू आ रही है पानी में। और चींटी में आपको दिखाऊंगा, देखिए वो अभी देखिए अभी गिर जाता ना, अभी गिर गया है, देखिए कैसे अभी एक एक्सीडेंट हो जाता है। देखिए अभी बच गया। अब बात यह है कि इसे चलाने में काफी प्रेशर पड़ रहा है, हवा का प्रेशर इतना है कि बिना नाव को चलाए हुए चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी इस नाव को कोई भी नहीं चला रहा है लेकिन ये नाव जो है बोट ये ऑटोमेटिक चल रही है हवा के प्रेशर के कारण। हवा का प्रेशर काफी ज्यादा है तो अब करना ये है कि इसके ऊपर चाइनीज इंजन बांधेंगे, इसको साइड में लेके जा रहा है, चाइनीज इंजन बांधेंगे और उसके बाद फिर इस एरिया में इसको घुमाएंगे। तो चलिए देखते हैं नया खेल क्या होने वाला है। नाव में सेट करेंगे चाइनीज इंजन को।